हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तन्मय अग्रवाल। आज आपसे अपना एक डर शेयर करना चाहता हूं। मुझे एक शब्द से बहुत डर लगने लगा है इस समय। वो शब्द है घर की बात है। और आपने भी अपनी जिंदगी में, मुझे ऐसा लगता है कि ये शब्द कहीं कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी व्यक्ति के मुंह से सुना होगा कि यार घर की बात है। और आमतौर पर ऐसा जब होता है तब कहीं ना कहीं रुपयों की बात होती है। जैसे मेरे साथ हुआ ऐसा कि मैंने एक व्यक्ति को एक सामान का ऑर्डर दिया। मैंने उससे पूछा सामान का ऑर्डर देने से पहले कि भाई इसका बिल कितने का होगा, ये कितने का पड़ेगा मुझको। तो सामने वाले ने मुझे कोई कीमत नहीं बताई। उसने बहुत भाईचारा निकालते हुए मुझसे कहा कि अरे भैया घर की बात है, अरे आप चिंता मत करो, घर की बात है, अपन देख लेंगे भैया, जो बेस्ट रेट होगा वो करके देंगे। मैं आ गया उसकी बातों में और मैंने उसको सामान का ऑर्डर दे दिया। 10 दिन की बात हुई लेकिन उसने 10 दिन में मुझे वो डिलीवर नहीं किया। लगभग 20 से 25 दिन बाद उस व्यक्ति ने मुझे मेरे सामान की डिलीवरी दी। और उसके बाद मैंने उससे पूछा कि भाई बिल कितना हुआ, तो वो थोड़ा शर्माया और उसने मुझसे कहा कि भैया मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। ठीक है भाई, इतना मतलब इतने इतना शर्म और हिचक के साथ सामने वाला बोल रहा, हो सकता है कोई बात होगी। तो सामने वाले ने 2-3 घंटे बाद मुझे व्हाट्सएप किया। व्हाट्सएप पे मैंने बिल चेक किया, बिल की रकम थी लगभग 18 या 19 हज़ार रुपये। और उसे देख के मतलब हैरान हो गया मैं, क्योंकि उस सामान की कीमत मैं मार्केट में पहले पता कर चुका था। उसकी जो ओवरऑल जो टोटल कॉस्ट आनी थी वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 11 हज़ार रुपये आनी थी। मैंने उस व्यक्ति को मैसेज में ही जवाब दिया कि भाई ये जो है मार्केट से बहुत ज़्यादा कीमत है, मुझे तो उम्मीद थी कि तुम थोड़ा डिस्काउंट रेट पे काम करोगे मेरे लिए, क्योंकि घर की बात थी। और घर की बात में जब हम किसी को ये बोलते हैं कि यार ये तो घर की बात है, तो फ़ायदा कमाने के बारे में तो नहीं सोचते हैं। तो उसने मुझे बहुत सारे फिर क्वालिटी इशूज़ गिनाए कि अरे भैया जो आप जिसकी बात कर रहे हो वो बहुत घटिया क्वालिटी का सामान देगा, हमने A1 क्वालिटी का सामान दिया है और इस क्वालिटी का सामान आपको कभी कहीं नहीं मिलेगा। तो मैंने फिर भी कहा कि भाई देखो जिसके भी थ्रू, मैंने क्योंकि उसे बुरा ना लगे इसलिए मैंने कहा कि जिसके भी थ्रू तुमने काम कराया है उसने तुमको ठगा है, तो कृपा करके मुझको मत ठगो और सामने वाले से बात करो, भाई इतना बिल मैं नहीं पे कर पाऊंगा। 2-3 दिन तक इस टॉपिक पे बातचीत हुई। फाइनली मैंने उनको बताया कि भाई रायपुर में इस जगह पे एक शॉप है, एक नहीं कई सारी शॉप हैं, आप वहाँ पर जाओ, वहाँ जाने के बाद पता करो कि उस सामान की कीमत क्या है, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वही है। तो इस तरह से फिर उसने कुल मिला के उसे समझ में आ गया कि मैंने मार्केट पता करने के बाद, मार्केट सर्च करने के बाद उसे काम का ठेका दिया था, वो भी ये सोचकर कि घर की बात है तो वो मुझे थोड़ा डिस्काउंट रेट पे काम करके देगा। पर खैर उसने काम नहीं किया, फिर मैंने उसे वही रेट दिया जो मार्केट रेट था बकायदा मार्केट को एनालिसिस करने के बाद। इसके बाद एक और वाकया हुआ कि मुझे अपने घर में फर्स्ट फ्लोर बनवाना था। मैं एक बिल्डर के पास गया, उस बिल्डर ने मुझसे कहा कि घर की बात है। और घर की बात शब्द सुनते से मुझे डर लग गया। मैंने उसको 10-15 मिनट बातचीत के बाद फाइनली उनके मुंह से निकलवाया कि भैया आप कितना पैसा, कितना रुपए ठेके में काम करोगे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भैया 1250 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से हम काम करेंगे। फिर मैंने उनसे पूछा कि इसमें क्या क्या सामान लगा के दोगे और क्या क्या आप प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हो इसमें। तो उन्होंने मुझे बाकायदा लिस्ट हमा दी, सेम टू सेम लिस्ट मुझे एक और दूसरे बिल्डर ने जो दी थी वो लगभग 1100 रुपये में दी थी। तो अब अगर कोई भी व्यक्ति मुझसे ये कहता है कि घर की बात है, तुम तो घर के लड़के हो, तुम तो अपने भाई हो, तो मैं समझ जाता हूँ कि सामने वाला मुझे ठगने के लिए या मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए आतुर है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ भी इस तरह के वाक्य हुए होंगे कभी ना कभी ज़िंदगी में। अगर नहीं हुए तो संभल कर रहिएगा, ऐसे हो सकता है। और अगर कोई ये कह दे कि घर की बात है तुम तो घर के बेटे हो, तो समझ लेना कि वो आपको छूना लगाने के लिए बेकरार है और समझ जाना। धन्यवाद।